Assalamu alaikum beautifuls, how are you today? Do let me know in the comment section that how are you doing today? अच्छा जी, आज अपनी छोड़े मेरी सुने, क्योंकि मैंने शादियों का सीज़न शुरू हो गया एंड आई डिसाइडेड टू गो आउट एंड सी व्हाट्स न्यू इन द मार्केट. आजकल मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है और किस तरह का स्टफ आया हुआ है, क्या प्राइजेस चल रही हैं, और मैंने काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी घुमा है, कुछ मुझे ख़रीदा है, कुछ मैंने नहीं ख़रीदा है. जो नहीं ख़रीदा वो मैं फिर से ख़रीदूंगी. ये वीडियो बनाने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि आपको याद रह जाता है कि मैंने क्या लेना था. आज की वीडियो में कुछ अनस्टिच ड्रेसेस हैं, कुछ स्टिच ड्रेसेस हैं, और बहुत सारा वेडिंग ड्रेस मटीरियल और यू कैन से है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अच्छा जी, मैं गई थी भगवानपुरे बाज़ार विद माय सिस्टर. सो हम लोग, बहुत रश होता है वहाँ पर, और आजकल के सीज़न में जाकर देखना, ढूंढना, यू नो, इट वाज बहुत मुश्किल था. बट फिर भी हम लोगों ने काफ़ी सारा मटेरियल देखा है. भगवानपुरा बाज़ार में आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मटेरियल मिल जाता था, बट सीरियसली द प्राइस वर रियली हाई. मैं सुन के हैरान रह गई थी कि हर ड्रेस जो था ना, वो तकरीबन अच्छा ड्रेस जिसे कह लें कि वो 6,000-5,000 से शुरू हो रहा था. लेकिन हमने हिम्मत नहीं आ रही और हमने कहा हमने अच्छे प्राइसेस में अच्छे ड्रेस आज बाय करके रहना है. सो या मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या क्या देखा और आप मेरे साथ साथ देखें. ये जो ब्लू कलर का ड्रेस देख रहे हैं आप, इसका मटेरियल शिफॉन का था और वहाँ पर तकरीबन सभी ड्रेसेस 2 पीसेज में ही मिल रहे थे. इसकी प्राइस आई थिंक 2500 थी. या ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, बट वी थॉट कि ये जो ना गए, ये उतर ना जाए, अगर कहीं से भी एक निकल गया तो ड्रेस जो है वो बेकार लगेगा. सो वी स्किप दिस, बट इट्स अ वैरायटी आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस. होप यू लाइक इट एंड इफ यू थिंकिंग अबाउट इट देन गो गेट इट. अच्छा, इसके साथ ही मुझे ये भी बताएं कमेंट सेक्शन में कि किस किस की फैमिली में शादी आ रही है और कौन कौन एक्साइटेड है न्यू कपड़े बाय करने के लिए और कौन कौन शॉपिंग के लिए जा रहा है इन मार्केट्स में देखने के लिए कि आजकल मार्केट में क्या नया है. या बहुत सारे कपड़े बनाने को दिल कर रहा है लेकिन इतने प्राइजेस हाई हैं ना, मैं क्या बताऊँ. ये मसूरी का कपड़ा है और ये कभी भी, ये वैसे लेटेस्ट ये मार्केट में आया, अब काफ़ी पुराना हो गया है लेकिन इट्स स्टिल अवेलेबल इन द मार्केट. उसके साथ ये जो दूसरा ड्रेस ये दिखाएंगे वो नेट का था और ये नेट की शर्ट्स अभी भी आपको 5000 तक की जो है वो मिल जाती हैं. मेरी सिस्टर जो मेरे साथ गई थी वो हर कपड़े को हाथ लगा के ज़रूर चेक करी थी कि ये चुभता तो नहीं है, बिकॉज शी रियली गेट इरिटेटेड विद दिस. वैरायटी तो बहुत ही मार्केट में खचाखच भरा पड़ा था, बट सीरियसली पसंद कुछ भी नहीं आ रहा था. कुछ मुझे पसंद आता था तो मेरी सिस्टर को नहीं आता था, उसको पसंद आ रहा था तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था. हम काइंड ऑफ कपड़ों में सिंकाइजेशन रखते हैं, कभी दिल करे तो मैचिंग भी बना लेते हैं, कभी दिल करे तो सेपरेट भी बना लेते हैं. सो यार, ये भगवानपुरे के शुरू में ही बहुत सी दुकानें हैं जहाँ पर आपको अच्छे लेटेस्ट कपड़े जो है वो अवेलेबल होते हैं, बट सीरियसली इतना रश था ना वहाँ पर कि कुछ समझ भी नहीं आ रही थी. अच्छा, जहाँ पर इतने महंगे महंगे ड्रेसेस थे वहाँ पर काफ़ी एक सेल काइंड ऑफ लगी हुई थी जो 1500 की अवेलेबल थी. 2 पीसेस थे एंड मोस्ट ऑफ देम वाज लाइक 1500, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था ड्रेस, क्योंकि मेहंदी वगैरह पे बनाने के लिए काफ़ी अच्छा था. सो इसके अलावा ये अनस्टिच ड्रेसेस थे, ये भाई बाय द वे बहुत अच्छे थे. इन्होंने मुझे तसल्ली से वीडियो बनाने दी और मैंने इनकी दुकान की काफ़ी अच्छी वीडियो जो है वो, अच्छे कपड़े इनके पास थे, मारिया भाई के रेप्लिकास भी थे इनके पास, और प्राइजेस जो थी वो हर ड्रेस की डिफरेंट थी. तो मुझे इनके पास काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस नज़र आए जो आई वॉज इंटरेस्टेड इन, और एक दो तो इनमें से पसंद आ ही गया था, विच आई एम थिंकिंग दैट कि ये अब मैं बाय कर लूँगी. ये इस तरह मुझे खोल के दिखा रहे थे कि ये पर्ल्स से भरा हुआ ड्रेस था और बाकायदा ये पीछे से काफ़ी मजबूती से पर्ल्स जो थे वो लगे हुए थे, और ही सेड कि वो पर्ल्स ऊपर से नहीं उतरेंगे. इसका कलर आई थिंक पीच कलर ही था जो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है. ये दुपट्टा और ये शर्ट का फ्रंट है. इसके दरम्यान में कुछ ये अजीब से बीट्स टाइप लगे हुए थे जो मुझे सीरियसली अच्छे नहीं लग रहे थे. ये बीच वाला जो गोल्डन ड्रेस है ये मेरी सिस्टर को बहुत अच्छा लगा था.
एंड दिस इज ऑल्सो रेप्लिका ऑफ समथिंग। इसके बहुत सारे पैचेस थे, ये दरमियान का पैच था, फिर इसके दामन का पैच था, फिर बाजुओं के पैच थे, फिर दुपट्टे के अलग से पैच थे। बहुत गड़बड़ वाला ड्रेस था, मतलब अगर किसी कहीं पर भी कोई भी डिज़ाइन जो है वो डिफरेंट हो जाए एड, सो मुझे ऐसे नहीं, सीरियसली नहीं पसंद कि जिसमें आपको बहुत सारे पैचेस लगाने पड़े। अच्छा, इस ड्रेस का जो मटेरियल था ना वो बहुत डिफरेंट था, ये सिल्क टाइप था और बहुत ही अच्छा इसका स्टफ़ था। दुपट्टा इसका डिफरेंट करा था विच वॉज रियली एक्साइटिंग फॉर मी, ये एक डिफरेंट चीज़ थी विच आई वॉन्टेड टू बाय और आई थिंक वी आर इंटरेस्टेड इन दिस काइंड ऑफ मटेरियल। इसी के पास भी काफ़ी अच्छे से कपड़े थे, ये भी उसी तरह का ड्रेस इसी भाई ने दिखाया था जो कलर डिफरेंट था। अच्छा, ये एक केप सा बना हुआ था जो आप फ्रॉक के ऊपर जो है वो आप डिज़ाइन कर सकते हैं, जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, ये हम एक और शॉप में देख गए थे जहाँ पर ये एक ब्रोशिया टाइप कपड़ा था जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम हुआ हुआ था। सो ये भी कलर काफ़ी यूनिक था, या ऑरेंज कलर इज़ रियली गुड। रेड कलर का ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, बट इनकी प्राइजेज जो थी वो हर ड्रेस की प्राइस जो थी डिफरेंट थी। और इस तरह के गाउन्स आपने मार्केट में देखे होंगे, इट वॉज़ अ शॉप जो इन्हीं गाउन से भरी हुई थी, जो वलीमे के लिए काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह कुछ डिफरेंट सा अगर आप करना चाहें। सो इट वॉज़ जस्ट यू नो, मैं ऐसे कपड़े तो बिल्कुल नहीं पहन सकती, लेकिन अगर आप में से किसी को अच्छा लगे, दैट इफ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड इन wearing these kinds of gown, then yeah, go for it. बड़े सॉफ्ट से कलर थे इनके, बहुत अच्छे लग रहे थे किसी को पहने हुए। yeah, this was the best one. अच्छा, इसके बाद ये इन भाई के पास भी बहुत अच्छी वैरायटी थी, ये एक शॉल टाइप दुपट्टे थे इसके और इसकी प्राइस आई थिंक 4000 थी। या ये दुपट्टे के चारों साइड पे जो है वो एक शॉल टाइप बनी हुई है, नेट का था। ये एक रॉ सिल्क का सूट था और ये आई थिंक स्काई ब्लू कलर था, विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग। लाइट कुछ ऐसी चल रही थी कि कलर जो थे वो सारे जो है वो डिफरेंट लग रहे थे, बहुत ज़्यादा येलो लाइट थी। ये जो ग्रीन कलर का ड्रेस आपको ब्रोशिये पे नज़र आ रहा है, ये भी स्काई ब्लू कलर का था और इसके काम भी बहुत नफीस और नीट बना हुआ था। ये पीच कलर में था और इसकी शर्ट जो थी इस तरह स्प्रे से भरी हुई थी। ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, ये स्किन कलर की शर्ट थी और इसके साथ पीच दुपट्टा था। और ये मसूरी के एक डिफरेंट ड्रेसेस हैं, इनमें से मैंने एक ड्रेस ज़रूर बाय किया था, आई रियली लाइक दैट। सो या, यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म हो रही है। होप यू लाइक माई शॉपिंग एंड इफ़ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर ऑफ दीज वीडियोज़। थैंक यू गाइज़।